तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं मॉडल टाउन। जी हाँ, जो मॉडल टाउन का ये पूरा इलाका है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मॉडल टाउन, ये चारों तरफ है। सामने है शिवानी शर्मा पार्क और सामने ही है ये बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं, बड़े बड़े दुकानें हैं। ये पूरा मॉडल टाउन का इलाका है। मैं सोच रहा था आपको मॉडल टाउन दिखाऊं और ये मॉडल टाउन चलते चलते आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए। लोग रुकते हैं अपने गाड़ियों से, ऑर्डर करते हैं, चीज़ें खाते हैं। तो इस समय थोड़ी सी धूप है लेकिन कोई बात नहीं, चलते चलते मैं आपको और भी इलाका दिखाऊंगा मॉडल टाउन के आसपास का। तो कुछ दुकानें आज बंद है क्योंकि आज थोड़े संडे है, संडे के दिन दुकानें बंद रहती हैं और जो कुछ दुकानें हैं वो खुली रहती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। पार्क मैंने आपको दिखाई दिया है, पार्क भी है आपको सामने, वो भी आप देख सकते हैं। और जो गुरु अमरदास चौक है वो लेफ्ट में है, यहीं से ही जाती है और यहीं से ही आप अलग अलग जगह जा सकते हैं। तो ये पूरा जो इलाका है मॉडल टाउन है और पास में ही पार्क भी है, पास में सब कुछ है, पास में सब कुछ है। और ये देखिए आई लव जलंधर भी लिखा हुआ है यहीं पर। तो आई लव जलंधर का भी मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ। ऐसे यहाँ पे दुकानें हैं यार बड़ी बड़ी, और कुछ नहीं है मॉडल टाउन में, बस एक पार्क है और एक कुछ लोकेशन से। और साथ में ही यहाँ पे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर हैं ये वहीं पर ही है। तो ये देखिए ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये सारी दुकानें हैं बड़ी बड़ी, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं आपको बड़ी बड़ी दिख जाएंगे। और बाकी यहाँ पर शाम को 4 या 5 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगती है शाम को 4-5 बजे के बाद। और ये देखिए टू वे जोन लिखा हुआ है यहाँ पर, दिख गया आपको। ये देखिए ये सामने का जो पूरा इलाका है ये पूरा मॉडल टाउन का ये इलाका है और जलंधर सिटी का ये फेमस पॉश इलाका कह सकते हैं। जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव और मरीन लाइन, उसी तरह से यहाँ पर ये है। तो ये सामने लिखा है आई लव जलंधर, और आई लव जलंधर देखिए हमारे सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए ये सामने मॉडल टाउन का जो पार्क की तरफ जाता है शिवानी पार्क, ये वो एरिया है। और बस ऐसे सारे मार्केटें हैं, सारी सारी चीज़ें हैं, लोगों के अपने घर हैं, लोगों के अपने सारे सब कुछ है, रेसिडेंसी हाउस हैं यहाँ पर, लोगों के घर, शॉप्स, ये वो सारी चीज़ें इस मॉडल टाउन में हैं। तो मॉडल टाउन में बस अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छी अच्छी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आज मैं आपको वॉक टूर करके दिखा रहा हूँ, वॉक करके करते सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। सारी चीज़ें कैसे लगेगी आप मुझे बताइएगा। और ये देखिए ये पूरे ये वेस्ट साइड का ये पूरा है ये सामने मॉल, और सामने ही है ये जो पीछे ही है मेरे साइड रिसॉर्ट है, आपको रिसॉर्ट भी देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे लोगों के घर हैं और दिख रहे हैं यहाँ पे आपके लोगों के, आपको घर दिखेंगे, ये वो सारी चीज़ें। तो पीछे जो रिसॉर्ट है वो इसके ठीक पीछे ही है, रिसॉर्ट है। और ये देखिए यहाँ पे लोगों के जो घरें हैं, बंगले हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो पार्क है मंडे टू सैटरडे 4 to 8 PM, और ये संडे और हॉलीडे टाइम 4 से, और ये शाम को 8 बजे 8:30 बजे रहता है। अभी ये खुला नहीं है ये पार्क, ये शाम को 4 बजे खुलेगा। और ये देखिए ये सामने का पूरा अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, अच्छे अच्छे घर हैं लोगों के, अच्छे अच्छे बंगलो हैं। ये रास्ता है ये सीधा जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और ये जाता है बस स्टैंड की तरफ। तो ये हम आज दोनों आपको दिखाने वाले हैं बस स्टैंड्स, और इसके पूरे हम आपको आपको इलाके दिखाएंगे। एक तो ये देखिए ये यहाँ का, और दिख रहा है आपको, आपको दिख गया
बस यहाँ के बहुत सारी चीज़ें हैं बड़ी अच्छी हैं देखने में, बिल्डिंग्स और ये वो सारी चीज़ें। और आपको यहाँ पे मेरे जो पीछे पार्क है वो खुलती है करीबन 4 बजे के आसपास। तो ये देख लिया, ये पूरा जो इलाका है ये मॉडल टाउन का इलाका है और आपको दिख जाएगा ये पूरा जो है मॉडल टाउन का है। मसंत चौक, मोता सिंह नगर, न्यू जवाहर नगर मार्केट, तो ये दिख रहा है आपको सामने कि पूरा ये जो है ये मॉडल टाउन के आसपास का पूरा इलाका आता है। तो मॉडल टाउन का ये वो इलाका और ये रहा यहाँ का सबसे बड़ा, ये देखिए आपको दिख रहा है मॉल टाइप का भी आप कह सकते हैं। ये है चुनमुन का बिल्डिंग है और अब यहाँ से जाता है ISPT गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम और एक जाता है भगवान महावीर मार्ग। तो ये देखिए ये पूरा इलाका है मॉडल टाउन का, पूरे इलाके को मॉडल टाउन का आप देख सकते हैं, तो पूरा इलाका मॉडल टाउन का है। तो ये है BMC चौक जलंधर का, आप देख सकते हैं BMC चौक भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये BMC चौक है, ऊपर से भी जाती है, जलंधर जाती है, लुधियाना और दिल्ली की तरफ ये रोड जाती है और यह है BMC चौक। बहुत ही बिजी है चौक है और ये चौक काफ़ी बड़ा है जलंधर का, इसमें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने है द एक्सेस का जहाँ पर मैकडोनल्ड्स है उसी के सामने हम ये खड़े हैं। पैदल चलते चलते पूरा जलंधर आज मैंने कवर कर लिया है पूरा नहीं, एटलीस्ट जितना मुझे कवर करना था उतना मैंने कर लिया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, यहाँ पर जाते चलते चलते बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे सामने ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, शायद आपको दिख रही होगी, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको सामने का भी नज़ारा दिखा देता हूँ, ये देखिए। पंजाब का जो ये दिख रहे हैं बड़े बड़े मॉल्स हैं, ये दिख रहा है आपको, ये मॉल है यहाँ का और इस मॉल को MBD मॉल कहते हैं। ये मॉल है यहाँ का, ये देखिए आपको, ये देखिए ये बहुत बड़ा मॉल है यहाँ का जलंधर का, MBD नेपलिस करके यहाँ पर लिखा हुआ है और ये वो मॉल है जो BMC चौक है यहीं पर आता है। PVR है इसमें, G9 बाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये पूरा उसी का ही इलाका है। सामने रहा रोड और ये रहा इसका स्पोर्ट्स का, तो बहुत सारी अलग अलग सारी चीज़ें हैं। ये रहा सिटी स्क्वायर जलंधर का, ये रहा पेट्रोल पंप और ये पूरा जो दृश्य है ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अलग तरीके का आपका जो दृश्य है आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए पंजाब का बस स्टॉप है, ये जलंधर का बस स्टॉप है, ये देखिए इसकी हालत कैसी है, कैसे सारी चीज़ें हैं। आम आदमी पार्टी का ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, ये दिख रहे हैं आपको, ये जो चौक आता है रेड चौक वहीं पर ही है और सामने हमारे हैं प्रेस क्लब। तो ये प्रेस क्लब के ठीक सामने का ही ये देखिए बस स्टॉप है जहाँ पर सबकी फ़ोटो लगी हुई है आम आदमी पार्टी, और कितने सारे यहाँ पे गंदगियाँ भी हैं, घास भी लगी पड़ी हुई है। ये देखिए ये जो सड़क है ये कैसी है,